जय माँ ज्वालपा। और सभी दोस्तों को अनकेटी का नमस्कार। आज 30 जून और आज हम पहुंचे हैं बगानी खाल में, ज्वालपा देवी का धाम बगानी खाल। और सामने है बगानी खाल की प्राइमरी स्कूल जहां हो रहा है वैक्सीनेशन। आज सब पर वैक्सीनेशन लग रहा है यहां पे। अभी जो सेकेंड डोज वाले हैं वो वेट करेंगे, 12 बजे के बाद उनको बताया गया था। हम पे तो लग चुका, हम तो ऑलरेडी लग के यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए हैं माँ ज्वालपा के, हमारी कुल देवी माँ ज्वालपा। और यह बड़ा सुंदर नज़ारा बगानी खाल का। और माँ ज्वालपा के धाम से बलवंत सिंह का कुछ नज़ारा इस प्रकार है। सामने गांव भंडालो और पैदल और सामने यहाँ पे भंडारा होता है 15 जून को, उसकी व्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे यात्री सेट टाइप का बना रखा है, बहुत बढ़िया सा। और यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा सामने टाणा नागराजा साइड, यहाँ से दूर है लेकिन इसी साइड में तो सामने भंडिर गांव। और सामने इधर बिड़ंग और नीचे है जगसारी। ठंडी ठंडा हवा चल रही है यहाँ पे। अभी दिन के 12:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे ठंड इतनी अच्छी है कि फर्स्ट क्लास मौसम, सुहावना मौसम हो रखा है। अरे हमारे खन्ना साहब, उन पर वैक्सीनेट लग चुका है, अभी वेट कर रहे हैं। अभी जो भी जगह वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे हिमालयन चैनल खाने। यहाँ पे बड़ा सुंदर नज़ारा घना जंगल का। देखो सुदामा भी आ रखा है। ज्वालपा देवी का बड़ा सुंदर मंदिर यहाँ पे। जय माँ ज्वालपा, सबकी मनोकामना पूर्ण करे माँ ज्वालपा। इधर सामने है मंदिर है, शायद भैरव देवता का है, एक उनके पीछे है। जय हो भैरव देवता की। और ज्वालपा देवी के दर्शन करने के बाद अब हम अपने घर को लौटते हुए। चलो भाई चलो चलो। जय माँ ज्वालपा। यह है ज्वालपा देवी का प्रवेश द्वार। बजा भाई बजा। चलो तुम बैठो। सब लोग इंजेक्शन लगा के आ रहे हैं, काफी भीड़ भी आज यहाँ पे। बगानी खावा आज पूरा असली मार्केट लग रहा है यहाँ पे, बहुत भीड़ है।